नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। एक कमरे से एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम भी ना बिना बात के परेशान हो जाती हो, चलो जाओ वहीं खाट पर, यहाँ पर पानी पड़ा है, अगर तुम भी फिसल गई तो, और अब हमारी हड्डियों में इतनी जान भी तो नहीं है, कहीं चोट लगा गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जाओ जाकर बैठो तुम। लक्ष्मी जी अपनी लकड़ी के सहारे जाकर खाट पर बैठ गईं और राम जी भी एक लकड़ी के डंडे की सहायता से धीरे धीरे एक बेकार कपड़ा लाकर वहाँ पड़े हुए पानी को साफ करने लगे कि तभी उनकी बहू वहाँ आ गई। फर्श पर पानी देखकर वह जोर जोर से चिल्लाई, तुम दोनों ने तो नाक में दम कर रखा है, कुछ काम धाम तो है नहीं, और काम बढ़ाने को देखो हमेशा तैयार रहते हो। तभी लक्ष्मी जी बोल पड़ी, बहू तेरे ससुर जी सब कर तो रहे हैं, और जहाँ तक बात रही काम करने की, तो हम अपना सभी काम खुद ही करते हैं, चाहे जैसे भी हो। तभी उसकी बहू बोली, कौन सा एहसान करते हो, अपना काम ही तो करते हो, आंखें ही तो फूटी हैं, हाथ पैर तो एकदम सही सलामत हैं, अगर हाथ हिला भी लिया तो कौन सा आसमान गिर पड़ा या ज़मीन फट गई। बहू हाथ में एक पन्नी लिए खड़ी थी जिसमें वह अपने सास ससुर के लिए खाना लेकर आई थी। उस पन्नी को अपनी सास की खाट पर फेंकती हुई बोली, जब ये सब काम निपटा लो तो खाना खा लेना, मैं चली अपना काम करने। वह पन्नी लक्ष्मी जी की खाट से टकरा कर नीचे गिर गई, उसमें रोटियां थीं। अब तक राम जी भी फर्श का पानी पोंछकर जैसे तैसे खाट के पास आकर बैठे, उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए वे आते ही लक्ष्मी जी से कहने लगे, अरे भगवान रोटी देना ज़रा, बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है, आज शायद खाना बनाने में बहू को देरी हो गई, लो उठाना ज़रा रोटियाँ। लक्ष्मी जी खाट पर हाथ घुमाते हुए रोटियाँ ढूंढने लगी, पर उन्हें रोटियाँ नहीं मिली क्योंकि वह देख नहीं सकती थी, तो दोनों ही हाथों की मदद से खाट पर रोटियाँ ढूंढने लगे, किंतु वो रोटियाँ नीचे गिर गई थी इसलिए उन्हें सहज नहीं मिली। अब दोनों अपने आसपास अपने उस कमरे के फर्श पर हाथ घुमाते हुए रोटियां ढूंढते, तब जाकर उन्हें कहीं रोटियां मिली और वे दोनों रोटियां लेकर खाने बैठे। जैसे ही पन्नी में से रोटियां निकाल कर खाया तो पता चला कि यह रात की रोटियां थी जिनके बीच में मिर्च और प्याज डालकर बहू ने तलकर खाने में दे गई थी। खाने में यूँ तो रोज़ ही मिर्च प्याज और चटनी हुआ करती थी, लेकिन आज फिर से रात में बासी रोटी। लक्ष्मी जी ने बहू से कहा था कि बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो रात का खाना रहने दो एक दो दिन, लेकिन फिर भी वह उन्हें रात की सूखी रोटियां देकर चली गई, और भूख से चलते दोनों ने वह रोटियां खा लीं और दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। अनायास ही वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगे और आपस में बातें करके पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। यह बात उस समय की थी जब उनका बेटा सोनू बहुत छोटा था, वह पूरे घर में उछल कूद करता रहता था। लक्ष्मी जी तो बस पूरा दिन उसके पीछे पीछे भागती रहती थी और वह पूरा दिन बस इधर उधर घूमता रहता था। वैसे तो सभी बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन सोनू वह हद से ज़्यादा शरारती था। वह हर रोज़ हाथ पाँव कहीं ना कहीं से चोट लगा कर लाता और फिर लक्ष्मी जी के पास आते ही रोने लगता ताकि उसे और डांटना पड़े। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, वह लक्ष्मी जी की ड्रेसिंग टेबल पर खड़ा होकर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी लक्ष्मी जी वहाँ आ गई, और उन्होंने जब उसका मुंह देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई और राम जी को हंसते हंसते ही आवाज़ देकर बोला, जल्दी आइए और आकर देखिए आपके लाडले ने क्या किया है। राम जी जैसे ही कमरे में घुसे और उन्होंने सोनू का मुंह देखा तो देखते ही खूब हंसे, क्योंकि उसने मेकअप करने के चक्कर में पूरे मुँह को हनुमान जी की तरह लाल लाल करके माथे पर बिंदी लगाई थी, जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उसे देखकर इतना हंसे। और फिर लक्ष्मी जी ने उसके माथे से बिंदी हटाई और कहा, अब लग रहे हो बिल्कुल छोटे हनुमान जी, और दोनों ने गले लगा लिया। राम जी ने उसे एक छोटी सी प्लास्टिक की गदा दिला दी जिसे लेकर वह पूरे गांव में घूमा। ऐसे ही समय बीतता रहा और सोनू बड़ा होता रहा। बड़ा होते होते उसमें माता पिता के साथ साथ भारत माता के लिए अनन्य प्रेम की भावना जाग गई। अब उसका सपना था कि वह अपने देश की सेवा करे,
जो कि 15 से 17 साल की उम्र में लगभग हर किसी का सपना होता है। लेकिन उसका ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं, उसकी जिद और उसका जुनून बन चुका था। शहर इसी वजह से 10 भर्तियाँ देखने के बाद और उसमें असफल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर वह आर्मी में भर्ती हो गया। सोनू के माता पिता चाहते तो नहीं थे, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे उन्होंने भी मान लिया। 21 वर्ष की उम्र में वह सेना में अच्छी पोस्ट पर तैनात था और उसके माता पिता घर पर अकेले रहते थे, जिनसे वह बहुत प्यार करता था। अब रामजी के पास भी सोनू के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि रिश्तेदारी में सभी को पता था कि परिवार में सभी लोग बहुत सभ्य और सीधे लोग हैं और सोनू की नौकरी भी अच्छी खासी है। इसलिए सोनू के लिए आने वाले कई रिश्तों को तो रामजी ठुकरा चुके थे, क्योंकि सोनू शादी के लिए मना करता था। लेकिन इस बार पड़ोस के गांव से सीमा नाम की लड़की का रिश्ता आया और जब रामजी ने इसके बारे में सोनू को बताया तो उसने भी ये सोच कर हाँ कर दी कि मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा की देखभाल के लिए घर में कोई तो होना चाहिए। शादी हो जाएगी तो कम से कम घर में मम्मी पापा अकेले तो नहीं रहेंगे। जैसे ही सोनू की छुट्टियाँ पड़ी और वह घर आया तो 10 दिन के अंदर ही सीमा और सोनू की शादी करने का निश्चय किया गया। और जिस दिन सोनू की शादी थी उसी दिन रामजी और लक्ष्मी जी दोनों ही घर के कामों में व्यस्त थे कि तभी हलवाई ने आवाज़ लगाई और कहा कि दोनों बड़े बड़े बर्तनों को उठाने में उसकी मदद कर दें, क्योंकि मज़दूरों को आने में समय लगेगा। दोनों पति पत्नी उसकी मदद करने के लिए हलवाई के पास गए। वे दोनों ही गैस पर कढ़ाई रखने जा रहे थे कि तभी वहाँ सिलेंडर फट गया और दोनों पति पत्नी और तीसरा हलवाई भी तीनों बेहोश हो गए। जब होश आया तब वे अस्पताल में थे। हलवाई ने आँख खोलते ही कहा, बाबूजी मेरी आँखें बहुत जल रही हैं, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि अभी तक उसे ही होश आया था तो सोनू उसे देखने गया कि इतने में नर्स ने आवाज़ लगाई, राम जी के बेटे कहाँ हैं। सोनू ने जैसी ही आवाज़ सुनी वह दौड़ा हुआ नर्स के पास आया, जी बताइए मैं हूँ उनका बेटा। सिस्टर बोली, आप अपने माता पिता के पास जाइए। जैसे ही वह अपने माता पिता के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वे दोनों बहुत बेचैन थे। कारण यह था कि उनकी आँखें खुली थीं फिर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सोनू ने आवाज़ दी दोनों आवाज़ों के साथ मुड़े, लेकिन अपने बेटे को देख नहीं पा रहे थे, वह इसलिए और बिल्ला उठे। फिर दोनों चिल्लाते हुए बोले, सोनू सोनू कहाँ हो तुम, बेटा हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। सोनू सोनू की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने उसे बताया, आग का इफ़ेक्ट इनके शरीर के साथ साथ आँखों पर भी हुआ है, जिसकी वजह से वे दोनों कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में वे कभी भी ना देख पाएँ, कम चांस है फ्यूचर में भी ना देख पाएँ। यह सुनते ही जैसे सोनू के पैरों तले जमीन ही निकल गई। इतना बड़ा हादसा होने के कारण शादी कैंसिल हो गई और सोनू के गांव के लोग वहां पहुंचे, तभी सोनू के ससुराल वाले भी आ पहुंचे। सभी लोग राम जी और लक्ष्मी जी को देखने उनके पास पहुंचे। तभी एक पड़ोसन कहने लगी, कितनी अपशगुनी है, अभी तो आई भी नहीं है, आने से पहले ही सास ससुर की जान पर बन गई, कितने अपशगुन पैर हैं, अभी तो घर में पड़े भी नहीं हैं। सीमा और उसके पिता भी वहीं खड़े थे। वह कहने लगे, बहन जी ऐसा ना कहें, मेरी बच्ची पहले से ही बहुत दुखी है, बचपन से बिना माँ के है, मैंने ही इसे पाल पोसकर बड़ा किया है। वह हाथ जोड़कर सोनू के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, दामाद जी इन सब बातों के कारण आप ये रिश्ता मत ठुकराना, हमारी बड़ी बदनामी होगी। कि तभी लक्ष्मी जी बोली, भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, सीमा हमारी बहू है, हमारी अमानत है आपके पास, जिसे जल्द ही इसे हम अपने घर ले आएंगे। और हाँ यह सब समय की बात है, जब जो होना होता है होके ही रहता है, इसमें सीमा का क्या दोष। वे दोनों उसे अपनी बेटी मानने लगे थे। तभी पंडित ने 2 दिन के अंदर ही नया मुहूर्त दिखाकर उन्होंने सोनू की शादी करवा दी। सोनू ने शादी के पहले दिन ही सीमा से कहा कि देखो सीमा, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बस एक ही गुजारिश है तुमसे कि तुम मुझे जो चाहे कह लेना, अगर कभी गुस्सा आए तो मुझ पर सारा गुस्सा निकाल लेना,
लेकिन कभी मेरे माँ पापा को दुख मत देना, उनका हमेशा ख्याल रखना। सीमा ने भी हाँ कह दिया, ठीक है जैसा आप हो। सोनू बोला, तुम तो जानती हो सीमा मेरे माँ पापा की अच्छाई, हॉस्पिटल में भी लोग ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे माँ पापा ने किसी को भी मौका नहीं दिया कि कोई भी तुमसे कुछ कहे। सीमा बोली, हाँ बाबा ठीक है। तो दिया ध्यान रखूँगी तुम्हारे, मेरा मतलब हमारे मम्मी पापा जी का। आँखों की रोशनी जाने के बाद भी लक्ष्मी जी हमेशा कहती, बेटा मैं कुछ मदद कर लूँ काम में? पर सीमा से पहले ही सोनू बोल पड़ता, नहीं माँ तुम क्यों परेशान होती हो, सीमा है ना वह सब कुछ कर लेगी, है ना सीमा? सीमा ने भी झूठी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। वे सोचते थे कि सीमा बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि सीमा किस बला का नाम था। फिर देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब सोनू को अपने माँ पापा को छोड़कर भारत माँ की सेवा करने के लिए जाना पड़ा। सीमा का बर्ताव दिन पे दिन बस से बदतर होता चला गया। उसने 2 महीनों में ही अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। वह अंधे सास ससुर को खाना और पानी देने में कुछ अलकसाने लगी थी। कभी कभी तो कह देती, खुद नहीं कर सकते क्या, तुम्हारे ही काम करती रहूं, बस और कोई काम नहीं है, तुम्हारा क्या है, बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहे, ना कोई काम की चिंता ना ही बनाने की चिंता, बस बैठे बैठे ठूसते रहो। अब उसने उन्हें रात का बचा हुआ खाना देना शुरू कर दिया और केवल प्याज और चटनी के साथ। बेचारे दोनों ही बुजुर्ग ठहरे, करें भी तो क्या करें और किससे कहें, उसका इकलौता बेटा जो दिन रात अपने देश की सेवा करता रहता, वह उसे परेशान नहीं करना चाहते थे, वह तो खुद हर वक्त मौत के मुहाने पर खड़ा रहता। बस यही सोचकर दोनों बुजुर्ग लक्ष्मी जी और राम जी यह सब बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि शायद इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी जी की तबीयत खराब हो गई, शायद गर्मी में रात का खाना खाने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर भी बहू ने उन्हें मुड़कर नहीं देखा, तो राम जी ने पड़ोस के बच्चे की मदद से और एक डंडे को लेकर लक्ष्मी जी को जैसे तैसे लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि लक्ष्मी जी की तबीयत खराब खाना खाने की वजह से बिगड़ गई है। डॉक्टर ने उन्हें ताज़ा और हल्का फुल्का खाने के लिए हिदायत दी। राम जी लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर पहुंच गए। लक्ष्मी जी को खाट पर बैठाकर किचन में गए और बोले, बहू अब जो भी बासी खाना हो वो मुझे देना, लक्ष्मी की तबीयत सही नहीं है, डॉक्टर ने उसे हल्का खाना खाने के लिए कहा है और उसे बहुत भूख लग रही है, कुछ हल्का फुल्का बना दो। वह बोली, जो बना है वही खा लो, मैं अब कुछ और नहीं बनाने वाली, जब देखो फालतू की फरमाइशें लेकर आ जाते हैं। बहू ने 36 बातें सुनाते हुए 2 ताजी रोटी बड़ी मुश्किल से बना के दी और राम जी को रात की बासी रोटी दे दी। वे बेचारे बासी रोटी लेकर अपने कमरे में जाने लगे और उधर से लक्ष्मी जी ने आवाज़ लगाई, सुनिए जी बहुत भूख लगी है, कुछ दिया बहू ने, अगर ताज़ा खाना नहीं दे रही हो तो रात का खाना ही ले आओ। राम जी अपने कमरे से कुछ ही दूर पर थे। वह बोले, अरे भगवान परेशान क्यों होती हो, बस आ ही गया। डंडे की सहायता से बेचारा अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे, तभी वहाँ गिरे पानी पर पैर पड़ने के कारण वह फिसल कर गिर पड़े, जिससे उनकी चीख निकल गई और खाना भी इधर उधर बिखर गया। उधर लक्ष्मी जी उनकी चीख सुनकर घबरा गई और आवाज़ लगाई, आप ठीक तो है ना जी, क्या हुआ आपको? लेकिन उनकी बहू ने किचन से बाहर निकलकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, वह अपने लिए हलवा बना रही थी और बोली, तुम लोगों ने भी ड्रामा लगा रखा है। राम जी बहुत हिम्मत करके बोले, हाँ लक्ष्मी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, रुको मैं आता हूँ। बेचारे बहुत हिम्मत करके उठे और आसपास गिरी हुई रोटियाँ उठाईं और रोटियों को साफ किया, फिर लक्ष्मी जी के पास खाना लेकर पहुँचे। उन्होंने लक्ष्मी जी को खाना खिलाया, पर उन्हें अपनी पत्नी के चक्कर में अपना ध्यान नहीं था, उनका पजामा घुटने से फट गया था और घुटने से खून निकल रहा था। वह उन्हें खाना खिला रहे थे कि तभी उनके कमरे के बाहर रखा हुआ उनका डंडा गिर गया। राम जी बाहर की तरफ देख तंकाने लगे कि यदि कोई कुत्ता या बिल्ली हो तो भाग जाए, पर यह क्या, कोई अंदर आया और उनके पैर छुए, और यह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा सोनू था। पर जैसे ही अपने पिता के पैर छूने के लिए नीचे झुका, उसकी नज़र घुटने से बहते हुए खून पर पड़ी। वह एक पल के लिए तो घबरा गया, पापा ये क्या हुआ,
आपके पैर पे चोट कैसे लगी? तभी उसकी नज़र उन रोटी पे पड़ी जो उसकी माँ खा रही थी, जो कि पूरी तरह गंदी थी। उन पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके पिताजी जो रोटियाँ खा रहे थे वह किसी पापड़ की तरह थी, जो कि बहुत सख्त और जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने दिनों पहले की रोटियाँ हैं। पर जैसे ही उनकी माँ बाप को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सोनू आ गया है, उसकी माँ की आंखों से ठहरे हुए आंसू बाहर आ गए और वह अपनी बाहें फैलाकर रोते रोते सोनू को पुकारने लगी। वह आ गया और आकर अपनी माँ को गले लगाता हुआ बोला, माँ सबसे पहले पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसके बाद आकर मैं कुछ बात करूँगा। वह अपना बैग वहीं पटक कर अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर गया। पत्नी आराम से अपने कमरे में कान में म्यूज़िक चलाकर आराम कर रही थी। अपने पिता को डॉक्टर के पास दिखाकर जैसे ही सोनू वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी उसकी माँ को उल्टा सीधा सुना रही थी। वह कह रही थी, पता नहीं दोनों बुड्ढे कब तक मेरे सिर पर नाचते रहेंगे, ना जाने कब मरेंगे, मर जाएं तो मेरा बोझ कम हो। तब तक सोनू आ चुका था और यह सब उसने अपने कानों से सुना। जैसे ही उसने यह सब सुना वह तेज़ आवाज़ से चिल्लाया, सीमा तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे माँ पापा के लिए तू इतनी उल्टी सीधी बातें बोलती है, उनके मरने की दुआ करती है। मैंने तुझे यह सोचकर अपने माता पिता के साथ छोड़ा था कि तू इनका ख्याल रखेगी, तूने तो इनकी ज़िंदगी बस से बदतर कर दी। और क्या कह रही थी, तेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, ज़िंदगी तो तूने बर्बाद कर दी, मेरी और मेरे माँ पापा की। फिर उसने अपने ससुर को फ़ोन करके घर बुलाया और वह आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, ससुर जी मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन अब मैं आपकी बेटी को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीमा के पिता अचानक से यह सब सुनकर चौंक गए। वह बोले, बेटा लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि तुम ऐसे बोल रहे हो? सोनू ने उनके सारी बातें बताई और कहा, जब यह मेरे माँ पापा की इज्जत नहीं कर सकती तो मेरी क्या करेगी, और वैसे भी मेरे माँ पापा की सेवा मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आप इसे ले जाइए। सोनू के पिता और माँ दोनों ने मिलकर सोनू को समझाया और सीमा ने भी आगे हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। तब जाकर सोनू ने उसे माफ़ किया और इस बार उसने अपने घर में एक नौकरानी रखी। वह केवल उनके माता पिता की सेवा करती और हर समय उनके पास रहती और ध्यान रखती कि कोई उन्हें परेशान ना करे। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक होने लगा। सीमा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, अब वह उनके अच्छे से सेवा करने लगी थी। और एक दिन उसकी सेवा से उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। सोनू आया तो नौकरानी का शुक्रिया अदा करने लगा, लेकिन उसके माँ बाप ने जब बताया कि यह सब सीमा की सेवा का फल है तो सोनू ने पूरे दिल से सीमा को माफ़ कर दिया और सभी सुखी सुखी एक साथ रहने लगे। और अब नौकरानी का काम केवल झाड़ू पोछा और कपड़ों तक सीमित था, बाकी सभी काम सीमा जिम्मेदारी से पूरा करती थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।